तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज सी। हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसमें एक डायगोनल है ए सी जो ए एंगल और सी एंगल दोनों को बाइसेक्ट करता है। शो करना है कि एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ये एक रेक्टेंगल है और हमें प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है। अब एक बात बताइए कि एबीसीडी रेक्टेंगल में और स्क्वायर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, हमें ये दे रखा है कि ए और सी एंगल को डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एसी। इसका मतलब रेक्टेंगल में हमें पता है कि कॉर्नर के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90-90 के होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ए एंगल है और सी एंगल है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ए और सी एंगल इक्वल है तो उसका जो हाफ है वो भी इक्वल होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है। एंगल ए एंगल सी के बराबर है, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल्स है, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो ए एंगल भी सी एंगल के बराबर होगा। अगर ए एंगल सी एंगल के बराबर है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। ठीक है, हाफ इक्वल होगा, इसका मतलब हम अगर ये दोनों हाफ एंगल्स लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि एंगल डी ए सी इक्वल है एंगल डी सी ए के, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ट्राइंगल्स के जब बेस एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी से हम कहते हैं कि अगर बेस एंगल्स इक्वल हैं तो ये जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं कि एडी साइड डीसी के बराबर होगी, एडी साइड डीसी के बराबर होगी। ठीक है, अगर एडी डीसी के बराबर है और हमें पता है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से एडी साइड ऑलरेडी बीसी के बराबर है, एडी साइड बीसी के भी बराबर है, इट मीन्स सीडी एबी के बराबर है। और जब इसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो इससे भी ए बी और बी सी इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ये सारी ही साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। बाकी सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की इसमें दे ही रखी है कि ईच एंगल 90 डिग्री का है, रेक्टेंगल में भी होता है स्क्वायर में भी होता है। हमने सारी साइड्स इक्वल प्रूव कर दी तो हम फर्स्ट पार्ट इजिली कर पाए, एबीसीडी एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज डी। ये जो डायगोनल बीडी है, यहां पर हमें एक डायगोनल बनाना होगा, ये जो डायगोनल बीडी है ये एंगल बी और डी को इक्वली बाइसेक्ट करता है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं बीसीडी। बीसीडी ट्राइंगल में अगर ये साइड्स इक्वल हैं, अगर ये साइड्स इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया है कि ये स्क्वायर है, अगर ये साइड्स इक्वल है बीसी एंड सीडी, अगर बीसी और सीडी इक्वल है इट मींस ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बीसीडी बीसी इक्वल टू सीडी, बीसी सीडी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी सी डी इक्वल होगा एंगल सी डी बी के। ठीक है, अगर ये एंगल्स इक्वल हो गए, बेस एंगल्स हैं, साइड्स इक्वल हैं इस वजह से। नेक्स्ट अगर ये एंगल हम इस एंगल के इक्वल रख दें तो क्या रीजन होगा, बी सी डी एंगल सॉरी सी बी डी एंगल, यहां भी सी बी डी आएगा, सी बी डी एंगल, सी बी डी एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, ए डी बी एंगल के, क्योंकि स्क्वायर में ये दोनों लाइन इक्वल होती है और पैरेलल होती है, तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल, और ये एंगल ऑलरेडी इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन बी डी है वो इन दोनों एंगल को बी और डी को इक्वली बाइसेक्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, सीबीडी इक्वल है, सीबीडी इक्वल है सीडीबी के,
और CBD इक्वल है ADBK, तो हम कह सकते हैं कि BD बाइसेक्ट कर रही है, BD बाइसेक्ट कर रही है एंगल B को और एंगल D को। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।